वेलकम बैक टू माई चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन, जिसमें हम दो फैब्रिक यूज करेंगे उसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन आता है ना उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने नॉर्मल स्लीव कट कर रखी है। इसकी लेंथ जो रेडी रहेगी 10 इंच रहेगी, 2 इंच जो है वो नीचे एक्स्ट्रा लिया है जो कि इस डिज़ाइन में रिक्वायर्ड होता है। और ये है फ्यूज़ पेपर डिज़ाइन करने के लिए और ये है कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक। अब हम फ्यूज़ पेपर की जो विड्थ मैंने रखी है 3 इंच और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ रखी है वो है 7 इंच और यहाँ पे 0.3 पे हम ये स्ट्रेट लाइन लगाएंगे फोल्डिंग वाली साइड पे और फिर सेंटर से हम करेंगे 1 इंच की मार्किंग और उसके बाद करेंगे हम 2-2 इंच की मार्किंग। जहाँ तक हमारी रेडी स्लीव है वहाँ तक मैंने 2 इंच की मार्किंग करी है। जो रेडी है वो रहेगा मेरा 5 इंच और उसके बाद सेंटर पॉइंट से हम एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद जो ऊपर वाले 1-1 इंच की मार्किंग है वहाँ पे हम उसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। जो 2-2 इंच वाली मार्किंग जो हमारी ऊपर है इसका हम इस तरीके से सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे ट्राइंगल बनाने के लिए। अब हम इसका बनाएंगे ट्राइंगल। और अब हम इसे करेंगे कट। अगर आपकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, विड्थ जो है आपकी स्लीव की ज़्यादा है, तब आप और भी ट्राइंगल्स इसमें बना सकते हो। मैंने यहाँ पे जो 1-1 इंच की मार्किंग करी है आप उसको बढ़ा सकते हो, आप उसको 1.5 इंच 3 इंच कर सकते हो, बट मेरे केस में ये इनफ है। अब हमने इसको कर लिया है फैब्रिक पे पेस्ट। फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद अब हम ये जो 1/4 इंच है एक साइड हमें ऐसी छोड़ देनी है और दूसरी साइड हमें 1/4 इंच करके कट करना है। 1/4 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है जो कि हमें यहाँ पे फोल्ड देना है। तो ये हो जाएगी हमारी फोल्ड। इसके जो कॉर्नर्स हैं जितने भी हमें दिख रहे हैं उन पे हमें कट लगाना है, अदरवाइज ये फैब्रिक जो है वो फोल्ड नहीं होगा। तो फैब्रिक ग्लू से मैंने एक ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, बैक साइड से हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब इसके बाद अपनी स्लीव को लेना है और स्लीव का रॉन्ग साइड हमें प्लेस आउट करना है और डिज़ाइन का राइट साइड प्लेस आउट करना है और इसके ऊपर सेंटर से सेंटर में हमें इसे मिलाना है और अपनी स्लीव को स्टिच करना है यहाँ पर। स्टिचिंग करते हुए जितनी हमारी साइड्स है वहाँ तक इसकी सिलाई आएगी। आप फ्यूज़ पेपर की जगह बुकरम भी यूज़ कर सकते हो। ना तो हमें यहाँ पे फैब्रिक को ज़्यादा खींचना है और ना ही डिज़ाइन वाले फैब्रिक को, अदरवाइज़ फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरीके से बाकी हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको 1/4 इंच का गैप देते हुए हमें यहाँ पे कट कर लेना है और ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो कट ना हो बिल्कुल भी। और उसके बाद जितनी भी साइड्स हैं वहाँ पे इस तरीके से हमें कट लगाने हैं ताकि जो फोल्डिंग है वो इजीली हो जाए। और जितने भी इसके कॉर्नर्स निकले हुए हैं वहाँ पे हमें इसको कट करना है ताकि ये इजीली जो है जो कॉर्नर हमारा निकल जाए। अब हमें इसको सीधा करना है। सीधा करने के लिए आप किसी भी नीडल या फिर सीज़र, किसी भी थोड़ी पतली वाली चीज़ की का यूज़ कर सकते हो ताकि इसके जो कॉर्नर हैं वो परफेक्टली निकल जाएं। तो ये देखिए, ये इसका कॉर्नर जो है वो निकल गया है। इसी तरीके से हमें बाकी भी सीधा कर लेना है और दूसरी स्लीव भी इसी तरीके से बना लेनी है। और अब हमें यहाँ पे
इसको ऊपर सिलाई लगानी है और नीचे वाली साइड भी हमें एक एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले मैंने ये ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे। इन ट्रायंगल्स की लेंथ और विड्थ जो है वो 1-1 इंच है और इसको मैं इस तरीके से प्लेस करूँगी। ये देखिए बिल्कुल साथ में इसको लगाना है। थोड़ा सा देखने में ये थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा और अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरीके से हम इसे साथ में प्लेस आउट करेंगे और हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए आपको बहुत ही ध्यान से लगानी है कि हमारा जो फैब्रिक है स्लीव का वो कहीं भी इकट्ठा ना हो, पीछे से वो बिल्कुल परफेक्ट लुक में आए, क्योंकि कहीं भी अगर वो इकट्ठा हो जाता है तो स्लीव में फिर झोल आएगा और वो झोल जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से हमें इसको प्लेस करना है ट्रायंगल को और यहाँ पर इसको ये बीच में इसके स्टिच हो जाएगा। इसके ऊपर वाली साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है। इसको मैंने प्रिंटेड दुपट्टे के साथ यूज़ किया है इस स्लीव को, तो उसका जो दुपट्टा है वो कंट्रास्ट फैब्रिक पिंक कलर का है, तो मैंने इस पे ब्रॉकेट का डिज़ाइन दिया है। आप चाहो तो प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। उसमें अगर आप कोई कंट्रास्ट स्लीव बना रहे हो तो बेहतर यही होगा कि आप किसी प्लेन फैब्रिक के ऊपर प्रिंटेड दुपट्टा प्रिंटेड कपड़ा यूज़ कीजिए, या फिर आप कोई प्रिंटेड कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्लेन यूज़ कीजिए ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो। तो ये इस तरीके से हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये है इसका लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में और देखने के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक दे रहा है स्लीव को। एक ऑर्डिनरी सी स्लीव कितनी अच्छी लग रही है बनी हुई। तो ये है स्लीव का फाइनल लुक जो कि देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। और ये है इसके ट्रायंगल्स, यहाँ पे मैंने छोटे वाले जो प्लेस किए हैं वो हैं। आप इन ट्रायंगल्स के ऊपर बीड्स मोती वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो और सेंटर में इसी कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक के बटन्स भी यूज़ कर सकते हो बिल्कुल एंड तक, वो भी एक अच्छा वाला लुक आपको देगा। और इनके जो ट्रायंगल्स हैं उनके ऊपर आप छोटे छोटे मोती वगैरह जो आते हैं गोल्डन कलर में वो यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कि स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।